Hey guys, welcome back. I hope you are very good. Okay? So I think it's like we are studying this chapter from long time and you might have seen the videos and everything. I hope you all are thorough with hybridization concept also. Yes, up till now we have seen three types of hybridization: sp3, sp2, sp. So yes, definitely I'm giving you a world class session, because I'm taking it very slowly. If anyone is like usko speed mein chahiye, to please increase the speed of the video. Theek hai? But anyway, this chapter ka, I think this is 13th session 13th 14th session, and this session I'm going to do the very important hybridization, that is sp3d hybridization. Yes, definitely carbon se to nahi ho sakta, to hum kaun sa example lenge nahi. To bahut hi acha question hai. PCl5 phosphorus jo hai, agar aap dekhoge to uske paas bhi keval 3 unpaired electron hote hain. Phir bhi phosphorus is able to make 5 bonds इन PCl5. तो हमें इस सेशन में यही देखना है और यही समझना है कि PCl5 या चार बॉन्ड्स कैसे बनते हैं. ठीक है, फास्फोरस के ना चार पांच बॉन्ड कैसे बनते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड पुट अप द हेडिंग एज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, सो फोर्थ वाला टॉपिक चल रहा है अभी भी, दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन. एंड वी हैव ऑलरेडी डन फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट. नाउ अ वेरी वेरी बढ़िया वाला एग्जाम्पल हियर. सी व्हाट, हाउ मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव डन. We have done sp3, we have done carbon ke help se, we have done sp3, then second we have done sp2, and third we have done sp. yahan pe single bond tha, theek hai, sp3 mein single bond tha, sp2 में डबल बॉन्ड था, sp में ट्रिपल बॉन्ड था, sp3 में हमने कहा था कि सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, sp2 में हमने कहा था कि तीन बॉन्ड्स हैं इसमें से, ये तीनों सिग्मा होंगे, लेकिन कार्बन का एक बॉन्ड होगा जो पाई बॉन्ड बनाएगा, जो इस हाइब्रिडाइजेशन से बच गया. यहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई हमें दिखेंगे, तो ये तो हमने देख लिए. अब हम करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल. And this is the earlier examples, right? So the fourth example of hybridization, that is sp3d hybridization, or fourth type of hybridization. And in this hybridization, we will be using example of PCl5. So PCl5 हम इसमें देखेंगे, और इस PCl5 में क्या हो रहा है, इस PCl5 में फास्फोरस पांच बॉन्ड बना रहा है. हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. यस, एंड अलोंग विद दिस द सेकेंड पॉइंट, क्या था सेकेंड पॉइंट, कि सेम अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स शुड पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. यस, दिस इज व्हाट वी नो.
तो अब एग्जाम्पल यहाँ पे और एक चीज हमने क्या कही, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेंशनड रहना पॉइंट्स का बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन. सेकंड हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स विद अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स विद अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी विल पार्टिसिपेट. सो विल राइट इलेक्ट्रॉन्स विद approximately same energy will participate in bonding. ठीक है, so now with these two points will be moving ahead with the example of phosphorus. Okay? So here I'm taking phosphorus atom. What is the electronic configuration of phosphorus? It is, firstly, what is the atomic number? It is 15. Okay? 15 hai. So, what will be the electronic configuration of phosphorus? ठीक है, इट विल बी 1s2 2s2 2p6. यहां पे आपके हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. इसके बाद होता है 3s2 3p, कितना 3p3. नाउ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर विल बी दिस. यस, ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, दिस इज 1s2 2s2 2p6 and 3s2, then 3p3. Now as per the rule you will say, ma'am इसके बाद तो 4s आना चाहिए, अगर मान लो रहा भी तो. बट बेटा 4s तो आना चाहिए, लेकिन 4s के साथ एक चीज और जो ध्यान देने की है कि इलेक्ट्रॉन्स इतने सफिशिएंट है ही नहीं कि फोर्थ शेल में जाए. तो अभी तो थर्ड शेल ही है ना, तो सिंस अभी थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में एक और चीज है प्रेजेंट, इवन दो इट इज नॉट इन यूज, 3d ऑर्बिटल, राइट? तो ये 3d ऑर्बिटल जो है इट इज हैविंग 1 2 3 4 and 5 ऑर्बिटल्स विच आर empty, so we can write here 3d0. Okay, and as per this or in this scenario where d orbital is present but it is empty, तो इसी को हमें समझना है कि आगे क्या होगा. आगे कुछ नहीं होगा भैया, सिर्फ एनर्जी गेन होगी. एनर्जी गेन होने से क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप हियर, दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप हियर, this electron will jump here and lastly this electron will jump here. ठीक है, rendering 5 unpaired electrons. ठीक है, so as we have seen in earlier examples also, we must name the state. This is your ground state. ठीक है, this is your ground state. And after gaining energy, now here electrons will gain energy
and after gaining energy they will jump into the higher orbitals. So I'm not drawing this much, I'll just draw this part, okay, wherein we are supposed to see the hybridization. Okay, so this will be our 3s orbital, this will be our 3p orbitals, and lastly this will be our 3d orbitals, 1 2 3 4 and 5. Okay, so in this the electrons will jump, okay, from here it will go here. Okay, in short, from here till here there will be single electron present. Okay, I hope the arrangement is very clear to you, right? And with this we come to know ki ye jo stage hai ise we say excited state. एक्साइटेड स्टेट मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की है. अब तक तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी, राइट? सो एक्साइटेड स्टेट में दे आर प्रेजेंट और द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, नाउ अब आता है मिक्सिंग. सो आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, मिक्सिंग विल अकर. मिक्सिंग किस किस चीज का मिक्सिंग होगा? इन पांचों ऑर्बिटल्स का. एंड व्हेन द मिक्सिंग विल अकर डेफिनेटली द न्यू ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग विल बी योर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. एंड आई कैन जस्ट रिप्रेजेंट इट विद हेल्प ऑफ अ ब्लू पेन. ठीक है, 1 2 3 and 4. All the 5 electrons will be in same energy level, okay, or with same energies. So basically we are mixing the orbitals to make the energy of all the electrons approximately same. So yahan pe kyunki ek s 3p aur ek d orbital hai, isliye the name comes to sp 3d hybridized orbital. So we'll write the name also over here. Okay, this is your sp3d hybridized orbitals. Okay, done. So now these sp3 hybridized orbitals will participate in bonding and all of them will form sigma bonds. So all of them are going to form sigma bonds. ठीक है, so therefore the 5 bond of phosphorus can be easily explained with help of this hybridization structure. I hope this is very clear to you and you might have written the points. ठीक है, now let's just draw the bond structure of this PCl5. So if I draw this here, so this is like this. This geometry is known as trigonal bipyramidal. ठीक है, so यहाँ पे here we have 5 you know carbon chlorine bonded with phosphorus with help of 5 sigma bonds. Basically ye structure aise nahi banana chahiye, I'll just make it in a proper format. Hota kya hai isme bhi, as I said ki 3d space mein to minimize repulsion these bonds are you know kept very far away from each other. To agar suppose ye phosphorus hai to agar ye paper ka sheet hai, ठीक है पेपर शीट है, तो इस शीट पे ये 3 बॉन्ड तो होंगे क्लोरीन के. ठीक है, बट दीज आर ऑल इन इक्वल साइज, दीज ऑल 3 बॉन्ड्स आर इन इक्वल साइज, बट पेपर है, पेपर के अबव एंड बिलो देयर विल बी 2 बॉन्ड्स, वन इज अबव एंड वन विल बी बिलो,
एंड दीज बॉन्ड्स विल बी अप्रोक्सीमेटली यू कैन से लॉन्गर इन लेंथ. ठीक है, एंड ये हो गया आपका क्लोरीन का एक बॉन्ड, ये हो गया. नाउ दिस इज द प्रॉपर ज्योमेट्री ऑफ PCl5. क्लियर? ओके, तो दिस इज सिंपल डायग्राम, बॉन्ड डायग्राम आई कैन से. नाउ वी शुड ड्रॉ दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का डायग्राम. सो हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ, इसी को देखते हुए वी विल ड्रॉ हियर. ठीक है, सो इफ आई टेक फॉस्फरस विथ ब्लू, दिस विल बी द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फरस विच इज फॉर्मिंग दिस फॉर्म दिस बॉन्ड, एंड दिस विल बी द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फरस, सेकेंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फरस विच विल फॉर्म दिस बॉन्ड. ठीक है, राइट, ओके. सो आई जस्ट मेक दी क्लोरीन एज वेल. क्लोरीन का भी पी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, राइट. सो आई एम जस्ट मेकिंग क्लोरीन. ठीक है, सो क्लोरीन, आई होप इट इज विजिबल ना. इफ नॉट देन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट डंबल. ठीक है, ओके. एंड आफ्टर दिस रेस्ट ऑफ द थ्री बॉन्ड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड और कैन बी ड्रॉन इन दिस फॉर्मेट. सबसे पहले इन दोनों को ड्रॉ करते हैं. तो ये हो गया हमारा एक, ये हो गया हमारा दूसरा, बट दिस आर बिगर ना, लेट्स मेक बिट स्मॉलर. ठीक है, ओके, राइट. इसका ये स्मॉलर लो, इसका ये स्मॉलर लो, राइट, ओके. तो क्लोरीन इज मेकिंग बॉन्ड्स विद दीज. ठीक है, सो आई एम जस्ट मेकिंग थोड़ा सा स्मॉल इन साइज. ठीक, ओके, राइट, ओके, फाइन. देन दस क्लोरीन का बॉन्ड कुड बी एक्सप्लेन्ड लाइक दिस. ठीक है, सो हियर द क्लोरीन विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स विथ पी ऑर्बिटल. सो इफ इट इज नॉट विजिबल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पाई, सॉरी सिग्मा बॉन्ड मेड विद हेल्प ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन एंड sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फरस. क्लियर? सो दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन. ऑल आर सिग्मा, ऑल आर सिग्मा. सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स हियर? देर आर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स. थ्री बॉन्ड्स आर इन प्लेन, टू बॉन्ड्स आर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर डायग्राम ऑफ PCl5. ठीक है, और यू कैन से ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ PCl5 विथ 5 सिग्मा बॉन्ड्स मेड आउट ऑफ 1 फॉस्फरस एटम एंड 5 क्लोरीन एटम्स विथ पी ऑर्बिटल. क्लियर? सो इफ एनीबडी आस्क यू इसमें कोई पाई बॉन्ड है क्या, देर इज नो पाई बॉन्ड. इन द सेम फॉर्मेट विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट सेशन अबाउट द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. इन दैट वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड वहां पे 5 की जगह 6 बॉन्ड बनेगा. ठीक है, तो हमें वो देखना है. तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा एलिमेंट लेना होगा जिसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने 5 है, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है. इन द सेम वे वी विल बी चूजिंग सच एलिमेंट विच विल हैव एटलीस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली वी वर एबल टू एक्सप्लेन दीज बॉन्ड्स. जो एकदम अलग हो रहा था वो हमें समझ आने लगा. सो दीज थियोरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो बेसिकली इफ यू से अकॉर्डिंग टू मी इट इज जस्ट अ थियोरी. नो वन हैज सीन द फॉर्मेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स एंड इफ एनी वन हैव सीन आई डोंट नो बिकॉज नो वन हैव दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन. सो लेट्स प्लेस द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो ऑल टूगेदर. ठीक है, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन. ठीक है, एंड दिस इज फॉस्फरस का एक इलेक्ट्रॉन, फॉस्फरस का एक इलेक्ट्रॉन एंड हियर इट इज लाइक दिस. सो टोटली 5 बॉन्ड्स, 10 इलेक्ट्रॉन और 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. आई विल नॉट टेक sp3d2 हियर बिकॉज इट्स अगेन गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो विल जस्ट टेक दैट इन द नेक्स्ट सेशन. प्लीज आस्क
इफ देर इज एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग अप टिल नाउ जितना वी हैव स्टडीड, उसमें कुछ भी है डाउट तो प्लीज आस्क मी, बिकॉज अदरवाइज आगे के थ्योरीज आपको समझने में डिफिकल्टी होगी. हम फाउंडेशन में बॉन्डिंग्स क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज बॉन्डिंग केमिस्ट्री का बेस है. जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बेस है, वैसे ही बॉन्डिंग भी बेस है. आफ्टर दिस चैप्टर आई विल बी टेकिंग रेडॉक्स ऑल्सो, तो दीज आर दी बेसिक टॉपिक्स, यू शुड हैव दी आइडिया ऑफ इट, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट इन दी 11th और 12th स्टैंडर्ड. एंड बेसिकली जब हम फाउंडेशन लेते हैं तो उसमें हम पूरे जेई और नीट का बेसिक ही देते हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया बिहाइंड दी केमिस्ट्री का सिंपल थ्योरीज, ठीक है. सो दीज आर दी थ्योरीज विच आर बेस ऑफ केमिस्ट्री, यू शुड लुक आफ्टर ईच एंड एवरी पॉइंट. आई हैव गिवन यू इन अ वेरी प्रॉपर फॉर्मेट, आई हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली. अगर यहाँ पे कुछ ओवरलैप भी हुआ तो यू नो कि ये ओवरलैपिंग में क्या चीज़ें हुई है, ठीक है. सो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. होप यू माइट हैव रिटन ऑल दी पॉइंट्स, यू आर मेकिंग नोट्स अलॉन्ग विथ मी, राइट. इफ नॉट प्लीज ट्राई टू मेक इट, ठीक है. हाँ थोड़ा स्लो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगेन इट्स अ बेसिक, एंड बेसिक जितना दिखने में सिंपल होता है उतना ही ईजिली दिमाग से निकल जाता है. सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, जितने बार आप इसको पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है. सो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस सेशन. एक्सपेक्टिंग यू आर स्टडिंग, यू आर डूइंग योर गुड, एंड यू ऑल आर इन गुड हेल्थ. सो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस सेशन and we'll meet in the next session. Till then, bye bye.